हेलो फ्रेंड्स, के आर एस सक्सेस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आई होप कि टीईटी का पेपर सभी ने अच्छे तरीके से कर लिया होगा और आंसर कीज़ तो अब आ चुकी हैं। तो मेरे सेक्शन, जहाँ तक मैंने मैथ्स पढ़ाया था, तो मैथ्स में मेरे अकॉर्डिंग कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी और ईमानदारी से जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को लगाया है और उसे अच्छी तरह से समझा है, वो उन बच्चों ने आसानी से 15+, या आप एक तरह से कह सकते हो कुछ बच्चों ने 20 भी मार्क्स गेन किए हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि और एक दो क्वेश्चन, बच्चों का कहना था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एज इट इज़ जैसा मैंने कराया था उसी बेस पे पूरा पूछे गए हैं। तो जिन भी लोगों ने इससे प्रैक्टिस करा था, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर वो CTET का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ सेक्शन में, तो अब से आप ये काम करिए कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं CTET का, प्राइमरी सेक्शन का, बिकॉज़ प्राइमरी सेक्शन अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जो भी पेपर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आप उनको अच्छी तरह से सॉल्व करें। सॉल्व करने का सेंस सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक बार सॉल्व किया और छोड़ दिया, आप उसे सॉल्व करके उसे अच्छे से रिवाइज़ करके ही जाएं, ताकि अगर उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसे डेफिनेटली करके ही आएंगे वहाँ पे। तो आज मैं लेके आई हूँ CTET 2016 का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 1 टू 5 मैथमेटिक्स। और फिर इसकी जो परीक्षा तिथि थी वो थी 18 सितंबर 2016। तो जैसा कि CTET के पेपर में देखिए, क्वेश्चंस थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेस्ड ज़्यादा रहते हैं, लगाने वाले तो रहते ही हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो अच्छे नंबर्स में रहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, किस समुच्चय में प्रवीण है। इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता, आनुपातिक विवेचन। दूसरा है पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त्यता, आनुपातिक विवेचन। तीसरा है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, आनुपातिक विवेचन। और चौथा है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्यता। तो देखिए, अब आपसे ये पूछ रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में, ठीक है, बच्चा कितने साल का है, 8 से 9 वर्ष का है। तो संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के जो 8 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, ये क्या होता है, ये किस में प्रवीण होते हैं, पंक्तिबद्धता में, वर्गीकरण में और प्रतिवर्त्यता में प्रवीण होते हैं। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थी को संकल्पना को कैसे समझाएंगी। तो देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इकाई और दहाई का क्या सेंस है, ये मैंने UPTET में भी कराया है। जैसे कुछ बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम के होंगे तो उन्हें वंस टेंस समझ में आता होगा, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 121 लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेस जो होती है वंस होती है, ये टेंस, ठीक है, वंस, टेंस, 100, फिर जैसे बढ़ते जाएंगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से ये इकाई का अंक होता है, ठीक है। तो इकाई के अंक के स्थान पर उन्होंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे ये इकाई यहाँ 4 है और यहाँ पे इकाई 3 है, ठीक है ना, तो इसे गड़बड़ लिख दिया उन लोगों ने। तो आप इसको कैसे समझाएंगी, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, बच्चों को अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और उन्हें इकाई और दहाई का स्थान समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप यही क्लियर करेंगे ना कि ये इसका जो भी संकल्पना है वो है क्या।
तो आप इसको समझाने के लिए, इस त्रुटि को समझाने के लिए सबसे पहले बच्चों को क्या करेंगी? इसे गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, ठीक है? गिनतारा पर, जो काउंट करने के लिए आता है, गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29503 29503 में 5 के स्थानीय मान और 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर क्या है? अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? स्थानीय मान क्या हो गया? देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। UPTET में मैंने करा दिया है इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, ये देखिए 29503 में 5 का स्थानीय मान, देखिए पूछा है, 5 का ही पूछा हुआ है। 5 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान क्या होता है? देखिए, वंस, टेंथ, हंड्रेड, ठीक है, वंस, टेंथ, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब जो भी होगा वो सैकड़े के फॉर्म में ही होगा, ठीक है? पूछा किसका है? 5 का। तो 5 गुड़े सैकड़ा या 5 गुड़े 100, ठीक है? अब आपसे कह रहा है कि 32071 में 7 का अंकित मान क्या है? अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है? 32071 में 7 का अंकित मान, अंकित मान से मतलब है कि इसमें जो है 7 का जो अंकित मान, मतलब जो उसका जातीय मान है, तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा भाई, उसकी वैल्यू तो 7 ही है ना। तो जो उसका जातीय यानी अंकित मान है वो क्या है? 7 ही है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एक स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछ रहा है आपसे, तो अंतर हो जाएगा, फाइव हंड्रेड माइनस 7 इज इक्वल टू 493, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। प्रतिचित्रण के लिए इसमें आपसे पूछ रहा है, तो देखिए, अगर जहाँ तक गणित का बात है, ठीक है, तो जो प्रतिचित्रण होता है इसके लिए, देखिए आप सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो गणित के लिए अगर प्रतिचित्रण की बात की जाए, तो देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिचित्रण क्या होता है, इसमें जो भी हमारे तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, और भी ज्यादा स्पष्ट होते हैं, और क्या होते हैं, ये देखिए, पहला कह रहा है कि प्रतिचित्रण जो है स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। अब देखिए, स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। प्रतिचित्रण आपका क्या होता है? इससे हम किसी भी चीज़ को, कोई भी हमारा पाठ्यक्रम हो, कोई भी विषय वस्तु हो, उसको हम क्या करते हैं, अत्यधिक स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। बस इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि किसी भी तथ्य को अधिक स्पष्ट रूप से समझना या पढ़ना, ठीक है? तो जो प्रतिचित्रण जो है वो हमारे गणित पाठ्यक्रम का क्या है? भाग ही नहीं है, ठीक है? ये देखिए, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी ठीक है। प्रतिचित्रण का गणित के विषयों में समाकलन किया जा सकता है, ये भी ठीक है। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का ये भी है। यदि 30028 को 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी। इसमें देखिए, मान लेते हैं कि रिक्त स्थान पर संख्या क्या है, माना
रिक्त स्थान पर संख्या एक्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो जो लिखा है वही उतार, उसको क्या करना है, उतार लेंगे। 30028 इज इक्वल टू 28 इकाई का मतलब, इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है ना, लेकिन अब चाहो तो लिख लो, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगी इसे। प्लस 28,000 प्लस 1/10, ठीक है। अब देखिए 30028 इज इक्वल टू 28, इकाई मतलब एक, 28,000 मतलब 100, 1/10 का मतलब 10। अब ये देखिए 28,000 प्लस 28 कितना हो गया, 28028 हुआ ना। इसको, इस वाले पोर्शन को मैं इधर लिख रही हूँ, 28028 प्लस 10x इज इक्वल टू 30028। 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30028 माइनस 28028। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 2 से 2 गया ये और ये 2,000। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 200, ये आपका क्या है, 200 दहाई, जो कि आपने एक्स क्या माना था, डैश के स्थान पर मान लिया था, इसलिए वहाँ पे 200 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आकृतियों के निम्नलिखित पहलियों में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखिए, प्रतिरूप, कोण, सममिति और चौपड़। तो देखिए, कोण की आकृति का प्राथमिक स्तर से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ ये जो हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। ऑप्शन नंबर ए, कागज़ मोड़ने के प्रयोग से, बी है पैमाने के प्रयोग से, सी है जियो बोर्ड के प्रयोग से और डी है आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आयत का और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं तो इन्हें क्या करना होगा, हम इन्हें आलेख यानी कि ग्राफ पेपर का प्रयोग करके, अब कैसे प्रयोग करेंगे, हम ग्राफ पेपर पे जो है क्या करेंगे, इसे प्रदर्शित करके हम दिखा सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो हम यही दर्शाएंगे कि हम अगर ग्राफ पेपर का यूज़ कर लें और उस पर ये बना करके, प्रदर्शित करके दिखा दें कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो बच्चों को क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त क्षेत्रफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या होगा, मतलब कि आपको दो बार डिवीज़न करना है यहाँ पे। आइए चलिए देखते हैं, पहला हम करते हैं डिवीज़न 108, दोनों को मैं दो साइड में कर दूंगी, 80808, सब लोग ऐसे ही डिवीज़न करते होंगे। अब देखिए 108 से, क्योंकि ये 808 है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ही यहाँ पे 8 आएगा, लेकिन ये नंबर जो है बढ़ जाएगा, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ 0 हो गया, ये 0 यहाँ पे उतार लिए। अब ये मेरे ख्याल से जाना चाहिए 4 से, ये हो गया 8 और ये आपका हो गया 8, ये भी आपका 0 हुआ, और 8 फिर उतारे तो देखिए ये अब कितने टाइम से जा रहा है,
8 times, बिकॉज ये 864 ही होता है, ठीक है। ये 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 0 हो गया, तो ये आया 24। अब डेसिमल लगा करके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। 109 से डिवाइड करेंगे हम 9009 को। ये भी देखिए 8 times ही जाएगा, कितना आएगा, 7। ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 यहाँ उतारा हमने। अब ये जाएगा 3 times, ठीक है। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 9 उतारा यहाँ से, तो ये बच रहा है आपका 4। तो ये हो गया 4 3 6, और ये देखिए ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। आपसे कह क्या रहा है कि भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये कि इसमें हम अगर इस नंबर से डिवाइड करें तो भागफल क्या आएगा, आपको ये बताना है। आपको करना क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 24/3। भागफल मतलब कितने टाइम्स जाएगा, तो ये जा रहा है 8 times, तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 603 × 28 इज इक्वल टू 63 × 4 × - रिक्त स्थान पर संख्या है। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया है कि माना रिक्त स्थान पर संख्या x है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो इजी ही हैं, बस जैसे पहले किया था 28 इज इक्वल टू 63 × 4 × x, ठीक है। जो भी काटना पीटना है काट पीट दीजिए, नहीं काट पीट सकते हैं तो इसे पहले इस फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। देखिए ये 7 times गया, ये 9 से गया, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 times जाएगा, 54, और ये 7। एक्स की वैल्यू आई 67, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो देखिए नहीं है तो कह रहा है, तो है कौन कौन से, देखिए बी भी है, गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, सी भी है, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, डी भी है, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। एक सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही बच रहा है, जिसके बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, बिकॉज़ बाकी जब 3 हैं ही तो एक जो बचा वही नहीं होगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हायर प्रिपरेशन ही की जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। निकालते हैं इसको भी, बिना निकाले ये नहीं हो सकता। तो चलिए 200 और 400 के बीच, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इनका सार्वगुणज होगा क्या। तो किससे देखेंगे हम लोग, 30, 45, 60 है ना, देखिए 30, 4, 5, 60 हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, सबको आता होगा लेने। देखिए 2 से पहले देखते हैं, तो ये 15, ये 45 और ये 30, ये 15, ये 45 और ये 15। अब देखिए 3 से चला जाएगा ये, थ्री से फिर जाना चाहिए, ये देखिए ये
5 times पूरा कैंसर। सार व गुणज बताना था, देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 क्या हो गया ये 180, मारते हैं 15 × 3 = 45 और 4 = 180। देखिए ये जो है नंबर आपका, ये 200 और 400 के बीच नहीं है, ठीक है। ये जो है नंबर है ये 200 और 400 के बीच नहीं है, लेकिन आपको क्या बताना है, 200 और 400 बीच में सबसे छोटा सार व गुणज। तो भाई सार व गुणज का मतलब जो इन नंबर से इजीली क्या हो जाए, सबसे छोटे छोटा नंबर ऐसा हो जो इन सबसे डिविजिबल हो जाए, यही तो बताना है आपको। लेकिन हमें ऐसा नंबर भी तो 200 और 400 के बीच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर चूंकि 400 के बीच नहीं है, अतः 200 व 400 के बीच का सार व गुणज जो होगा वो क्या होगा, 180 × 2 360। क्यों 360, क्योंकि ये जो है 200 और 400 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। अब 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बताना है, सबसे बड़ा मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये आपने निकाला था लसा। अब आपको क्या बताना है, 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, मतलब कि इनका मसा निकालना है, अर्थात मसा। इसमें हम क्या निकाल रहे थे, सबसे छोटा सार्व गुणज अर्थात लस, और ये सबसे बड़ा, ठीक है, ये सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है लेकिन आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटा सार्व गुणज अर्थात लस, ठीक है। मसा निकालने के लिए क्या करते हैं पता ही है, 15 है ना, देख लीजिए क्या क्या होगा, 3 × 5 फैक्टर्स निकाल दे रही हूँ, 24 देखिए, 3 × 2 × 2 = 45 देखिए, 3 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, ठीक है। आता तो 1 भी है, लेकिन 1 आप ले या ना ले, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी है, तो 3 में तो 1 इंक्लूड ही है। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड क्या हो गया, सबसे बड़ा जो सार्व गुणनखंड हुआ वो है 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभीष्ट मान क्या हो जाएगा आपका, 360 / 3 = 120, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है, पहला जियो बोर्ड, दूसरा मोती और माला, तीसरा ग्राफ पेपर और चौथा है गिनतारा। तो देखिए 2 दशमलव संख्याओं को योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम का साधन है, ठीक है, बिकॉज जब आप प्रदर्शित करेंगे तभी आप बच्चों को समझा पाएंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना और लैंगिक भेद। तो देखिए इसमें भी गणित में भयभीत व उसमें असफल होने का कारण लैंगिक भेद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब तो हो सकता है लेकिन जो लैंगिक भेद है वो इसका कारण नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, मतलब कि 15 दिन में जितने भी मिनट होते हैं,
ठीक है, वो इसमें से किसके सेकंड की संख्या के बराबर है, मतलब कि इसे आपको चेंज करना होगा सबसे पहले। तो देखिए चेंज करते हैं, 15 दिन में कितने मिनट होते हैं पहले ये तो निकाल लें। 15 दिन में मिनटों की संख्या कितनी है? 15 दिन हो गए, 1 दिन में 24 घंटे गुणे 24 तो 60 सेकेंड, 1 घंटे में 60 सेकेंड होते हैं। अब आप करेंगे कैसे? निकाल तो दिया आपने, लेकिन आपको तो निकालना है किसके सेकंडों की संख्या के, ये सब घंटे में दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसे आपको इस तरह से चेंज करना है कि इसमें से कोई घंटा भी आ जाए और बाकी वैल्यू सेकंड में भी रह जाए। तो इसे आप ब्रेक कर लो, ठीक है? कैसे ब्रेक करोगे? 15 को लिखोगे 3 गुणे 5, 24 को लिखोगे 2 2, कितना हुआ 4 गुणे 3 24, 60 को लिख देना, 60 तो वैसे भी सेकंड में ही है तो सेकंड में ही छोड़ दो। अब इसमें से इस किसको मल्टीप्लाई करोगे आप कि 60 आ जाए और एक नंबर बच भी जाए? देखो अगर आप मान लो मल्टीप्लाई करते हो 5 से 15 दूना 30, तो ये भी नहीं होगा, इसमें आपका होना चाहिए ऐसा नंबर लो जो आपको जो है सेकंड्स के अलावा सेकंड्स को जोड़ने के बाद से बच जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? अच्छा देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे ये देखो ये 3 × 5 15 है और ये 2 × 2 4 × 3 12 ही हो रहा है, ये 24 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और होना चाहिए। मैं यहाँ आगे लिख दे रही हूँ, ये मेरे से मिस हो गया था। अब देखो शायद बन जाए 5 × 3 15 × 4 60, तो ये कितना बचा? 3 और 2 बच गया, मीन 6 × 60 × 60, ये सब सेकेंड्स में आ गए। ये क्या बचा? 6 घंटे में 2 सेकेंड की संख्या, मीन्स आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा समझना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या होगी? तो पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, 360 विद्यार्थी हैं, 2/3 लड़कियां हैं, तो पहले हम लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? बच्चे हैं 360, लड़कियां कितनी हैं? 2/3, ये हो गया 120, काट देना, लड़कियां हो गई 240, ठीक है। अब लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? इजीली निकाल सकते हो, जब आपको टोटल पता है और लड़कियों की संख्या पता है तो आप लड़कों की संख्या निकाल सकते हो। 360 − 240, ये हो गया आपका 120। अब आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, ठीक है? लड़कों की संख्या कौन सी, जो खिलाड़ी हैं, तो लड़कों में जो खिलाड़ी हैं कौन कौन है? लड़कों की संख्या के 3/4 मतलब 3/4, 90। अब लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, निकाल लो, निकल गया आपका। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, भाई वही तो पूछा है ना, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, जो खिलाड़ी नहीं है, तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 120, खिलाड़ी कितने हैं? 90, तो बचे कितने? 30, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी,
कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हरीश ने एक स्कूटर रुपए 49553 में खरीदा, उसे 8076 का नकद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? तो प्रत्येक किस्त की राशि, तो चलिए मान लेते हैं कि उसने कितनी, उसे कितनी और राशि देनी है। भाई स्कूटर ख़रीदा उसने 49553 में, यानी 49,553 रुपीज़ में उसने ख़रीद लिया, भुगतान कर दिया है 8076 का, तो जो देने वाली शेष रकम है, ठीक है ना, देने वाली शेष रकम कितनी है? ख़रीदा था 49553 में, भुगतान कर दिया रुपये 8076 का, अब कितना देना है उसे? अब उसे देना है 41477। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि कैसे निकाल सकते हैं भाई? इसी पैसों को तो अब वो किस्त में देगा ना, और कितने किस्त में देगा? 37 किस्तों में, तो हर किस्त में कितना देगा? प्रत्येक किस्त की राशि, यही तो आपको निकालना है। 41477 डिवाइड बाई 37, डिवाइड कर लेना खुद से, ठीक है, 1121। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। मैं फिर से कह रही हूँ कि जिन भी बच्चों का यूपी टीईटी प्राइमरी सेक्शन क्लियर नहीं हो पाया है, वो सीटीईटी पे अभी से मेहनत करें। और मैथ्स का पेपर अगर प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो आप बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और अच्छे से सॉल्व करो, उसे समझ करके। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।